सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। ब्रिटेन ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया और सोमवार को इतिहास रचते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने जीत हासिल की। वह ब्रिटेन के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है, जिससे ब्रिटेन और भारत में दिवाली का जश्न दोगुना हो गया था। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए, ये पहला मौका है जब इंग्लैंड की सत्ता किसी भारतीय मूल के नेता के पास आई है। तो आइए जानते हैं कौन है ऋषि सुनक और उनकी राजनीति के सफर के बारे में। ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री है ऋषि, ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ऋषि ने लिया अपमान का बदला। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक देश के नए प्रधानमंत्री हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने अपना नया नेता चुनने के लिए सोमवार शाम तक वोट डाला, जिसमें ऋषि सुनक को विजेता घोषित किया गया। वो बोरिस जॉनसन के हटने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे। उनके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लाखों भारतीय उत्साहित थे। भारत में बड़ी संख्या में लोग चाहते थे कि ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऋषि भारतीय मूल के हैं, उनके ससुराल वाले भी भारत में हैं। आखिर भारत के कहां के हैं ऋषि, उनका परिवार इंग्लैंड में कैसे बस गया और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की। ऋषि सुनक के बारे में बात करने से पहले इतिहास के पन्नों को पलट कर देखने की जरूरत है। भारत की आजादी के धुर विरोधी रहे उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कभी कहा था, अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे, लेकिन चर्चिल आज होते तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता। ऋषि सुनक ये वो नाम है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल सुनक, जिनकी उम्र 42 साल है, उन्होंने रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद की दौड़ में जीत हासिल की और अब वो ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उनकी माता का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक है। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी पंजाब से थे। 1960 में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए। बाद में उनका परिवार यहाँ से इंग्लैंड चला गया। तब से सुनक का पूरा परिवार इंग्लैंड में रहता है। ऋषि ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की है। सुनक और अक्षता की 2 बेटियां हैं। उनकी बेटियां अनुष्का सुनक और कृष्णा सुनक है। ऋषि सुनक ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इंग्लैंड के विंचेस्टर कॉलेज से की। उन्होंने आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी प्राप्त की। ऋषि सुनक की मुलाकात अक्षता मूर्ति से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई के दौरान हुई थी। अक्षता इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा नारायण मूर्ति दोनों पढ़ाई के दौरान एक दूसरे को दिल दे रहे थे। 2009 में दोनों ने भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार बेंगलुरु में शादी कर ली। अक्षता इंग्लैंड में अपना खुद का फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। आज तक वो इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद ऋषि को गोल्डमैन सैक्स में नौकरी मिल गई। ऋषि शुरू से ही बहुत होनहार हैं। 2009 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद उनका कारोबार बढ़ने लगा। 2013 में उन्हें और उनकी पत्नी को कैटमरान वेंचर्स UK लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2015 में फर्म से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी इससे जुड़ी रही। ये संस्था अक्षता के पिता एन नारायण मूर्ति का है।
ऋषि सुनक ने 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। 2015 में वो रिचमंड से जीते। 2017 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की। उसके बाद 13 फरवरी 2020 को उन्हें इंग्लैंड के राजकोष का चांसलर बनाया गया। उसी साल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर लगे तमाम तरह के आरोपों के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जॉनसन की कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव शुरू हुआ। इसमें ऋषि सुनक प्रबल दावेदार के रूप में उभरे। उसके बाद उनकी मुख्य लड़ाई ऋषि और लिज के बीच थी, लेकिन लिज ट्रस प्रधानमंत्री बने। लिज ट्रस ने केवल 6 सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद सुनक के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। अब सोमवार को उनके नाम की घोषणा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में की गई। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।